देखो यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती बहुत सारी है, सारे सीढ़ी नुमा खेती है सारे। हवा बहुत इधर नदी आती है ब्रिज के नीचे, लेकिन से। ये बरसात में जैसे बरसात होता है ना, तो ऊपर से पूरा जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ से बहता हुआ आता है पूरा झरना। अच्छा, तो उस टाइम बहुत अच्छा लगता है। झरना आता है ये नीचे की तरफ जाता है, इधर नीचे की तरफ जाता है। नहीं खींचना है वो, थोड़ी बहुत तो नदी जा भी रही है, अभी पानी आ रहा है ना, बारिश बारिश अभी हुई है तो छोटी सी नदी जा रही है, ज्यादा तो नहीं। पर हल्द्वानी है ये, और ये ब्रिज इस पे हम खड़े हैं, बहुत ही बड़ा है और नदी वहाँ से आती है। हवा में आपको अपना साउंड जो है वो बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एकदम मस्त वाला नज़ारा है। इस तरीके से अभी हम लोग ना देख रहे हैं, ये अभी हम लोग देख रहे हैं मनसा माता देवी का मंदिर है, ये खुरपाताल में है। ठीक है, नीचे तो खुरपाताल है ना, और यहाँ पे ये मनसा देवी का मंदिर है खुरपाताल का। तो यहाँ पे कोई भी देवी नहीं है, और पत्थर से ही मूर्ति बनी हुई है, लेकिन ये ना सिर्फ नवरात्रों में खुलता है, तो जस्ट धोखा के आ जाते हैं। तो ये वाला मंदिर है मनसा देवी का, और यहाँ पे ऐसे बना हुआ है मनसा देवी मंदिर, नैनीताल रोड, काला डूंगी। जय हो शिव शंकर की गुफा। ये देखो शिव जी की गुफा है, यहाँ पे शिव जी बैठे हैं, यहाँ पे देखो बीच में है ना, और ये शिव शंकर गुफा है। बहुत अच्छा सा, एक अच्छी सी वाइब आती है। और ये मंदिर है, तो ये अच्छा, ये देवी की वैसे ही देखो प्रतिमा बनी हुई है, ये पत्थर मतलब पहाड़ से ही देवी की प्रतिमा बनी हुई है मनसा देवी की, और बहुत ही प्यारी लग रही है, एकदम अच्छी अच्छी वाइब आ रही है देखने में। तो जय हो मनसा देवी माता। और इधर भैरव देवता है, और जहाँ पे भी देवी होती हैं वहाँ पे भैरव जी ज़रूर होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी मूर्ति है भैरव बाबा की, ये देखो यहाँ पे जय भैरव देवता। तो ये भैरव देवता मंदिर है, वो मनसा देवी मंदिर है, और नीचे इधर खुरपाताल है। तो ये यहाँ पे देखो पूरा ये खुरपाताल है, और चलो वो देखो 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 सीढ़ी मानो खेती, हाँ यहाँ पे सारी सीढ़ी नुमा खेती। अच्छा ये रहा देखो खुरपाताल का जो ताल है वो यहाँ पे है, जस्ट जो ये देवी माँ का मंदिर है ना, वहाँ से आपको पूरी खुरपाताल की लेक दिखेगी, और ये खुरपाताल है। तो ये जो है ये खुरपाताल है, और क्या अच्छा इसकी ताल का किसको बताने की तैयारी है, पाताल से जुड़ी हुई है। अच्छा अच्छा अलग अलग टाइम पे ये लेक जो है वो सात कलर चेंज करती है, और ये ना पूरा अच्छा पूरा जो खुरपा ताल है वो गाय की खुर की शेप में है। अच्छा हाँ हाँ अच्छा लेक उस शेप में है, और ये पाताल के मतलब एकदम पाताल से टच है ये, इसका कोई गहराई नहीं पता किसी को भी, ये इसका एक कहानी है भाई। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग आए हैं झरना देखने के लिए, तो ये ऊपर जाएंगे इस तरफ, और यहाँ पे फीस है आपका 50 रुपये एक जन की लगेगी है ना, और खाने पीने की भी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से, और ये यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है। और झरना देखने का काफ़ी अच्छा है, ये है वुडलैंड वाटरफॉल है, ये यहाँ से एंटर हो रहे हैं हम लोग वुडलैंड वाटरफॉल। और आप देख सकते हो कितना मतलब ऊपर ऊपर जाना है सीढ़ियों से, और वहाँ से देखो झरना आ रहा है, ढंग से दिख नहीं रहा, एक बार रुको दिखाती हूँ अभी। बहुत अच्छी हवा है यहाँ पे, जब से आया ना पूरा ठंडा माहौल है, बच्चों के लिए ना बड़ी अच्छी जगह है ये, वहाँ पे बकरी बनी हुई है, यहाँ पे शेर बने हुए हैं मतलब टाइगर बने हुए हैं, तो
और ये जो है झरना जा रहा है यहाँ से। अभी तो इतना ज्यादा मतलब बारिश का वो नहीं है ना, तो शायद कम है, बाकी अच्छे से आएगा झरना, काफी पानी। थोड़े सी हम फोटोग्राफी कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये ऑर्चर्ड सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम लोग, फोटोग्राफी हमारी हो गई। और यहाँ पे देखो बकरी भी खड़ी है, ये नीचे टाइगर और यहाँ पे बकरी। ये टाइगर इस ये बकरी नीचे क्या है? फोनिक्स पाम, पाम पाम ट्री है। हाँ, मोर पंखी। अच्छा यहाँ पे ना वो है मतलब काफी क्या बोलते हैं इनको, पेड़ पौधे हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं। ये देखो मोर पंखी लगी हुई है। और भी क्या है, ये टोरलोसा, हमको तो पता भी नहीं चलता यहाँ पे नेचर में कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं, काफी आयुर्वेदिक भी होंगे। और ये देखो इधर झरना वहां पे कूद रहा है। चलो 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 चलो, यहाँ पे देखो या तो कोई बस एक्सीडेंट हुई है, फंस गई यहाँ पे। हाँ फंसी हुई है यहाँ पे, फंस गई है। तो ये पहुंच गए हैं हम लोग झरने के पास, और ये रहा झरना, यहाँ से आ रहा है ये और नीचे जा रहा है, ऊपर से आ रहा है। क्या हो गई? अरे यार बहुत बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, इस चीज को फील करना ना वो ज्यादा मजेदार है। और रणवी यहाँ पे अपनी बोट चला रही है, रखो धीरे धीरे, ज्यादा ज्यादा नीचे मत जा। हाँ वो तो गिर गई, रहने दे बेटा, नीचे गिर जाएगी। ये रहा झरना, झरने में नहाना सख्त मना है, कोई नहीं नहा सकता यहाँ पे। और पूरा कचरा कचरा जा रहा है देखो यहाँ पे, यहाँ पे पूरा क्लीन है। तो देखा है हम लोग झरना और इतना मजा आया वहाँ पे, बता नहीं सकते है ना। फोटो भी खींची है हम लोगों ने बहुत सारी। और जो चीज़ें मतलब आप लाइव ऐसे देखकर एक्सपीरियंस करते हो ना, उतना वीडियो में नहीं लगता, बस आप देखकर ऐसे हो जाते कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं देखने लायक। बट जो चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस करते हो उसकी तो भाई बात ही अलग है। और हमने खुद एक्सपीरियंस की है, हमें तो बहुत मज़े आए। आप लोग भी खुद आकर एंजॉय करना इस चीज़ को। देखो अर्णव जो है फोटोग्राफी में लगा हुआ है, फोटोग्राफी करवा रहा है, इन दोनों को बड़ा चाव चढ़ा हुआ फोटोग्राफी का। अभी हम लोग आए हैं सरिता ताल, ये खुरपा ताल और नैनीताल के बीच में है। और ये ना गवर्नमेंट ने वैसे आर्टिफिशियल बनाई हुई है, लेकिन पानी जो है वो पहाड़ों से ही आता है इसमें। तो ये सरिता ताल, तो यहाँ पे भी बोटिंग वोटिंग होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, है तो छोटी बट फिर भी है, और हो जाती है बोटिंग, जिसको भी बोटिंग करनी होती है वो हो जाती है। सरिता ताल भी आप एक व्यू पॉइंट है, आप देख सकते हो। और इनको दिख गए हैं टैडपोल, तो ये कुछ इस तरीके की है। हवा इतनी तेज है कि शायद मेरा साउंड इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, बट अभी बहुत ज्यादा हवा है, आप देख सकते हो पेड़ पौधे कैसे एकदम झमाझम हिल रहे हैं। ये देखो इसको ना कैमल का बैक पीक बोलते हैं, एक ऊंट के जो होता है ना इसे कुबड़ा निकला हुआ उस शेप में है।